भंग हो गया है। लगता है हमारे नागराज को किसी ने मार डाला है, लेकिन नागराज जैसे ताकतवर सांप से टकराने की हिम्मत की किसने? मैंने। मैंने ही तुम्हारे नाक को मारा है भैरवनाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि ये बात कहने के लिए तो हमारे डेरे तक चली आई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो भी मेरे पति या मेरे खानदान का बुरा चाहेगा उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारे नागराज का हुआ है। मेरे सुहाग की तरफ बुरी नजर से देखने वाले की मैं आंखें नोच लूंगी, काट डालूंगी उन हाथों को जो मेरे सुहाग की तरफ उठे। खामोश मत बोल के तू एक मामूली नागिन है, शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। अच्छी तरह से मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी कि तुम इतने बड़े तांत्रिक और विद्वान, मगर आज पता चला कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है, वो है सती की शक्ति, पतिव्रता की शक्ति, जो यमराज के सिंहासन को भी हिला देती। पतिव्रता? और तू? हाँ मैं अब उस खानदान की बहू हूँ। बहू? खानदान? ये तूने अच्छा ढोंग रचा रखा है बहरूपनी। तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। हम उसी खानदान के सामने तुझे तेरे असली रूप में लाकर पिटारी में बंद करके ले जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा भैरवनाथ, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात फिर बता देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे सुहाग या उनके घर वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारे हाथ से उठा दूंगी।